इस इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से ठीक है मैं जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है देर इज अ टेंट ठीक है अ टेंट हैज बिन कंस्ट्रक्टेड विच इज इन अ फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ठीक है डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सरमाउंटेड का मतलब है कि उसके ऊपर कोन है ठीक है whose axis coincides with the axis of cylinder तो so, जो axis जो center line आती है ठीक है cone की that will be same as cylinder's axis so if the radius of the base of a cylinder is 50 meter the height of a cylinder is 10 meter and the total height of the tent is 15 meter then what is the capacity of the tent in cubic meters आपको capacity का मतलब है आपको volume निकालना है इस तरीके से मैं आपको diagram बना बना के दिखाता हूँ ठीक है और फिर आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं खुद से ठीक है तो एक पहले मैं सिलेंडर बनाता हूँ दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये एक सिलेंडर है ठीक है इस तरीके का एक टेंट है ऐसे सिलेंडर है नीचे से और ऊपर से इसके इसके ऊपर क्या है सर पे क्या माउंटेड है एक कौन माउंटेड है तो इस तरीके से एक कौन है ठीक है और जो इसकी एक्सिस है एक्सिस का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं ठीक है ये जो हाइट हम लोग बनाते हैं सेंटर से जो लाइन जाती है ठीक है कोन की एक्सिस ओके और सिलेंडर की एक्सिस दोनों क्या कर रही हैं आपस में कोइंसाइड कर रही हैं ठीक है थीके? तो एक्सिस एकदम सेम है ओके सो so, एक्सिस इज सेम तो ये ये क्या है दिस इज नथिंग बट अ टेंट इस टेंट का आपको वॉल्यूम निकालना है कैपेसिटी कितनी है ठीक है तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको क्या क्या दिया है आपको दिया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर ठीक है इस सिलेंडर का जो रेडियस है बेस का दैट इज़ गिवेंट यू ये जो बेस बेस का जो रेडियस दिया है दिस बेस रेडियस इज गिवेंट यू ये बेस रेडियस कितना दिया है आपको इट इज़ गिवेंट यू फिफ्टी मीटर बहुत अच्छी बात है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर सिर्फ सिलेंडर तक की हाइट इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ठीक uh, है दिस हाइट इज़ गिवेंट टेन मीटर एंड द टोटल हाइट इज गिवेंट फिफ्टीन मीटर अगर टोटल हाइट फिफ्टीन मीटर है ठीक है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा इफ द टोटल हाइट यहां से लेकर और यहां तक अगर पूरी 15 मीटर है 15 मीटर है सो देर फोर कौन की हाइट कितनी हो जाएगी सिर्फ कौन की हाइट कौन की हाइट विल गोइंग टू बी हाउ मच कौन की हाइट विल गोइंग टू बी फाइव मीटर्स ठीक है क्योंकि टोटल बस ओके okay. तो अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हो नाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम ओके तो क्या हो जाएगा द द टेंट विल बी नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द टेंट तो क्या हो जाएगा जो कैपेसिटी है कैपेसिटी ऑफ टेंट विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों के वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन तो क्वेश्चन को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है अब इसको सॉल्व करो वट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर से कैसे कंपेयर करोगे इट इज वन बाई थर्ड सो वन बाई थर्ड पाई आर स्क्वाच प्लस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच ओके okay. मैं यहाँ पर एच सी लिख लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दिस इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ़ अ कोन ठीक है ये एच ये हाइट ऑफ अ कोन है और ये एच हाइट ऑफ अ सिलेंडर है ठीक है ये सेम नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ मैं दोनों को आ, इसको एच कह रहा हूँ इसको मैं कैपिटल एच कह रहा हूँ ठीक है ये जो कैपिटल एच है ये हाइट ऑफ अ सिलेंडर है ओके अच्छा लेकिन पाईआर स्क्वायर विल गोइंग टू बी कॉमन ठीक है पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस क्योंकि बेस रेडियस सेम है सो पाई आर स्क्वायर विल गोइंग टू बी कॉमन इफ़ यू विल टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में इट विल गोइंग टू कम एच बाई थ्री प्लस कैपिटल एच ठीक है एच बाई थ्री प्लस कैपिटल एच सो इफ यूल गोइंग टू सॉल्व दिस पाई आर स्क्वायर अभी आर की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ एच एच इज नथिंग बट कोन की हाइट दैट इज नथिंग बट फाइव बाई थ्री प्लस कैपिटल एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज टेन ओके तो नाउ तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में इफ यूल टेक थ्री सो दिस विल गोइंग टू बी फाइव प्लस थर्टी ठीक है अब मैं वैल्यूज रख लेता हूँ तो पाई की ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन रेडियस फिफ्टी है फिफ्टी इंटू फिफ्टी इंटू थर्टी फाइव अपॉइंट थ्री अच्छा और पाई की वैल्यू वैसे नहीं रखनी चाहिए हमें क्योंकि पाई तो वो ऑप्शन में दे रहा है ना ठीक है तो पाई पाई को हम लोग पाई ही रहने देते हैं ठीक है इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं ओके तो पाई को पाई रहने दो वट विल बी द आंसर नाउ सॉल्व करो सो द आंसर विल बी फाइव फाइव ट्वेंटी सो थर्टी फाइव इंटू फाइव पहले कर लेते हैं फाइव फाइव थर्टी फाइव फाइव जी फाइव कैरी टू दिस विल बी वन सेवेंटी फाइव अगेन इंटू फाइव इफ एल टू फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है थर्टी सेवन कैरी थ्री एट सेवन फाइव जीरो जीरो सो इट विल गोइंग टू बी एट सेवन फाइव जीरो जीरो ऊपर आया पाई नीचे आया थ्री ठीक है सो बी इज द राइट आंसर तो